अभी आज जा रहे हम अगरतला टू हैदराबाद जा रहे हैं, तो अभी डिपार्चर है मेरा 5 o'clock। ओहो इतना था मेरा, जस्ट अभी एंट्री किया हूँ मैं एयरपोर्ट के अंदर। उसके बाद मेरा पीछे जो देख रहे हैं वो गेट है, गेट नंबर 4, और यहाँ पर है गेट नंबर 5। मेरे पास मेरा बोर्डिंग पास पूरा दे दिया है यहाँ पर, एक कलकत्ता टू अगरतला टू कलकत्ता और एक कलकत्ता टू हैदराबाद के लिए, दोनों है मेरे पास। अगरतला एयरपोर्ट आने के बाद ये सिक्योरिटी चेकिंग, उसके बाद ये लिफ्ट है, यहाँ से ऊपर आना पड़ता है। फिलहाल मैं आया हूँ आज अगरतला एयरपोर्ट में, क्योंकि यहाँ से मैं जाऊँगी हैदराबाद। तो अगरतला रिसेंटली उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कन्वर्ट किया है, तो एयरपोर्ट ही बहुत मस्त बना है, धासु है यार, एक बहुत ही खूबसूरत बना है पहले की कंपैरिजन करें तो। तो अभी यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा फ्लाइट है लगभग 5:45 को पूरा अगर यहाँ से कलकत्ता, कलकत्ता से हैदराबाद जाएँगे, और 3:45 का मेरा जर्नी है। तो ये है अगरतला एयरपोर्ट, वो यहाँ पर आने के बाद ये जो गेट है वहाँ से सामने से 2-3 गेट है, वहाँ पर जाना पड़ता है। ये है गेट जहाँ से अभी हम जाएंगे, गेट जहाँ से अभी हम जाएंगे। पहले इंटरनेशनल नहीं, जब नहीं था तब नीचे से जाते थे, अभी चेंज होने के बाद ऊपर से पूरा ऐसे करके अभी जा रहे हैं पूरा बैठ कर, बस यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग फिर से एक बार जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर फ्लाइट के अंदर साला एक के बाद एक चेकिंग करके दिमाग खराब कर। ये सामने है फ्लाइट, जैसे भी जाएंगे कलकत्ता। फिलहाल अभी आके मैं बैठ गया यहाँ पर, ये बेड इन द साइड मिल गया मुझे इन केस। अभी यहाँ से मैं कलकत्ता का फुल सफ़र लगभग 45 मिनट्स में कम्प्लीट करूँगी, उसके बाद यहाँ से कलकत्ता में खत्ता में 1 आवर्स हुआ है, उसके बाद 2 आवर्स में हैदराबाद में जाकर पहुँच। चलिए जब सफ़र एंजॉय करें। जा रहा हूँ दूसरा बार सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, यहाँ से फिर और एक बार सिक्योरिटी चेकिंग सब कुछ है, उसके बाद 8 o'clock मेरा फ्लाइट है। तो अभी जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, कलकत्ता में आया 45 मिनट्स में मैं यहाँ पर आ गया, अभी सामने है सिक्योरिटी चेकिंग, जहाँ ऊपर जाके करेंगे। तो चलिए चलते हैं।
है अभी हैदराबाद एयरपोर्ट में, यहाँ से मैं जाऊँगी रूम में। और जर्नी मेरा यही कम्प्लीट हुआ, अभी ये सामने बस है, बस से जाएंगे। मेरा बैग वगैरह सब कुछ लेना। पहुँचे यहाँ पर मेरा बैग आएगा, जिसके लिए वेट करना पड़ेगा। बैग लाने के बाद शाम बिहार जाके ओला से रूम में जाना पड़ेगा। हैदराबाद एयरपोर्ट अराइवल एरिया, जहाज से आने के बाद जहाज आते हैं, ये सामने जो गेट देख रहे हो, यहाँ से आना पड़ेगा। आने के बाद तो पहले से ही आपको फ्लाइट में बोल देगा कि कौन सा बेल्ट में आपका सामान आएगा। तो मेरा तो 6 नंबर पे सामान भी आ गया, मेरा पेट्रोल आ गया, अभी जाना है ओला के पास। तो फाइनली मैं आ गया हैदराबाद में, अभी यहाँ से जाएंगे मैं रूम में। तो मेरा जर्नी कम्प्लीट हुआ, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जाएंगे मैं रूम में, मेरा जर्नी कम्प्लीट हुआ, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब।